हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा COVID-19 को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करने वाले एक इंस्ट्रूमेंट का, एक डिवाइस का, जो कि है पल्स ऑक्सीमीटर। सो ऑक्सीमीटर को कैसे यूज़ करना है, क्या क्या इसमें जो साइन हैं वो क्या शो करते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कोरोना को डिटेक्ट करता है। तो ऐसे ही सारे सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मेरी एक इस वीडियो में मिलने वाले हैं। एक्चुअली जैसे ही आपको कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो आपको सलाह दी जाती है कि ये इंस्ट्रूमेंट आपको लेने हैं, एक तो थर्मामीटर और सेकेंड इज़ पल्स ऑक्सीमीटर। तो मेरी बी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आने के बाद मेरे को डॉक्टर ने सजेस्ट किया थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर को बाय करने के लिए। तो जैसे ही ये छोटा सा डिवाइस मेरे हाथ में आया तो क्यूरियोसिटी ही हो जाती कि भाई यहाँ पे डिफरेंट जो साइन है वो क्या शो कर रहे हैं, ये कैसे काम करता है। तो डिफरेंट सर्च आर्टिकल से मेरे को जो नॉलेज मिली, सो आई जस्ट थिंक टू शेयर ऑल माई गैदर नॉलेज इन्फॉर्मेशन विद यू ऑल। एक्चुअली मेरा भी जो मेजर सिम्टम था वो सांस ना आना और लाइक एनोक्सिया था। सो मैंने भी ये इंस्ट्रूमेंट बाय किया, पल्स ऑक्सीमीटर। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो ये बताता क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इट एक्चुअली डायग्नोज। तो डायग्नोज क्या करता है ये, कोरोना के समय में एक्चुअली जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसके ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल होता है ना तो वो कम होने लगता है, तो उसे चेक करने के लिए ऑक्सीमीटर का यूज़ किया जाता है। अब जो ऑक्सीजन लेवल है उसके घटने के और भी रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है कि भाई किसी को हार्ट प्रॉब्लम है या फिर कुछ और भी है, हो सकता है कि उसको कोविड का इन्फेक्शन भी है। बट अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो बॉडी में बिलो 90 है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए, चाहे वो COVID-19 की वजह से या हार्ट प्रॉब्लम की वजह से है। सो क्योंकि अभी टाइम जो चला हुआ है वो COVID-19 का इन्फेक्शन का टाइम है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि क्या हर किसी को ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो ख़रीदना चाहिए, हर किसी को पैसे लगाने हैं, ज़रूरी हैं इस पर, इज़ इट अ मस्ट बाय। तो हर किसी को पल्स ऑक्सीमीटर बाय करने की नीड नहीं होती। जिनको भाई सांस लेने में दिक्कत है या छाती दबी दबी लगती है, सफोकेटिव सा लगता है, घबराहट हो रही है, तो ऐसे कुछ अगर सिम्टम हैं तो इसको बाय कर लेना चाहिए, हेल्प करेगा। यानी कि जो वायरस की अमाउंट है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, लंग्स के अंदर, तो एक टाइप से उस स्टेज का पहले ही पता लग जाएगा और रिकवरी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। साथ ही अगर आपको कोविड पॉजिटिव हो तो डॉक्टर आपको ये सजेस्ट पहले ही कर देंगे इसको लेने के लिए, तो ये मतलब कि कोविड के डिटेक्शन में हेल्प ही करेगा एक टाइप से आपके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू यूज़ इट। इसे यूज़ करने कैसे करेंगे, इसे यूज़ करने के लिए आपको इसको जो है अपनी किसी भी एक फिंगर को ऑक्सीमीटर के अंदर लगाना है, LED लाइट पे रखना है और 60-90 मिनट के लिए वेट करना है। दो रीडिंग यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। दो रीडिंग ही मेन है यहाँ पे, एक तो SpO2 जहाँ पे लिखा उसके जस्ट नीचे रीडिंग होगी 90 से 100 के बीच में। तो ये जो SpO2 है वो क्या शो करता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन परसेंटेज ऑफ ब्लड। दूसरी जो रीडिंग है वो PR करके जो लिखी हुई है वो होता है आपका पल्स रेट या फिर बीट रेट, यानी कि हार्ट जो है कितनी बार धड़क रहा है आपका, ठीक है। तो SpO2 जो है शो करता है कि ऑक्सीजन आपके हीमोग्लोबिन होता है ना ब्लड के अंदर, जो ब्लड के अंदर कितना ऑक्सीजन लेवल है आपका, ठीक है। तो अगर इसके आइडियल पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग के बारे में बात करें, फोर्थ पॉइंट हम कर रहे हैं यहाँ पे, आइडियल पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग क्या होगी भाई, तो 90 से अबव रीडिंग जो है जितनी भी वो आइडियल ही होती हैं। अगर आपकी रीडिंग 95 से 98% तक है तो आप बिल्कुल सही हो, हेल्दी हो, लेकिन अगर 90 से बिलो है तो आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए चले जाना चाहिए। इमीडिएट जो है जो भी आपको स्टेप लेने हैं वो आपको पता लग जाएंगे, जल्दी रिकवरी होगी इस चीज़ से। फिफ्थ चीज़ है प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशंस क्या लेंगे, तो प्रिकॉशंस का मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीमीटर का कैसे जो है ढंग से यूज़ करेंगे ताकि रीडिंग जो है सही आए, करेक्ट आए और जेन्युइन आए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के आपके हाथ जो है ठंडे नहीं होने चाहिए, वार्मिंग अप कीजिए फिंगर्स की। और सेकेंड जो है नो मूवमेंट ऑफ फिंगर, फिंगर की कोई भी मूवमेंट आपको नहीं करनी। तीसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पे जो है ऑक्सीमीटर के जस्ट अंदर आपको रेड लाइट दिखेगी, LED लाइट जो है, तो उसके जस्ट आपको ऊपर रखना है, सही जगह पे आपको अपनी फिंगर को प्लेस करना है, शांत होके बैठना है, बिल्कुल स्टिल होके, नेल पे कोई भी नेल पेंट या जो है टैटू वगैरह नहीं होने चाहिए, तभी आपकी रीडिंग करेक्ट आएगी, ठीक है।
अब देख लेते हैं एक रियल डेमोन्स्ट्रेशन के डिवाइस को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो सामने ही दिख रही होगी आपको कि इसकी स्क्रीन जो है लेमिनेटेड है और ओन बटन है यहाँ पे, जस्ट इसमें से क्लिप जो है टाइप की है, ये क्लिपर टाइप की है और यहाँ पे एलईडी लाइट भी है, अंदर ही आपको दिख रही है एलईडी लाइट है और आपको फिंगर यहीं पर रखनी है, जस्ट इसके अबाव आपको फिंगर रखनी है और बैक में यहाँ पर बैटरी पोर्शन है। अब करते हैं इसके उसको अब इसको ऑन करते हैं और आ गया है पल्स ऑक्सीमीटर। तो यहाँ देखें एक SpO2 है, एक PI है और एक पल्स रेट है, ठीक है। तो SpO2 जो है ऑक्सीजन का लेवल बताएगा, PI जो है परफ्यूजन इंडेक्स इसको बोलते हैं, कितना ब्लड आपके जो बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो जितना ज़्यादा ये होगा उतनी ही एक्यूरेसी होगी आपकी, ठीक है। तो ज़्यादा होगा तो उतनी ही एक्यूरेसी होगी। थर्ड चीज़ क्या है यहाँ पर, पल्स रेट है। अब बता दें इसके कॉस्ट के बारे में, तो इसकी जो कॉस्ट है वो 750 अराउंड है। अभी ऐसे ही जो मार्केट में पल्स ऑक्सीमीटर आए हुए हैं आप खरीद लीजिए, अगर जो है डॉक्टर ने सजेस्ट किया है या आपको लगता है कि सांस लेने में दिक्कत है, छाती जो है कुछ ऐसे सिम्टम लगते हैं आपको कोविड से रिलेटेड, खांसी जुकाम और गला ख़राब जैसे सिम्टम, ताकि आपकी जो रिकवरी है वो जल्दी हो सके। तो टाइम टू टाइम मेज़र करना है इससे।